न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर हैं उनको अरेस्ट किया गया है, सभी जगह छापेमारी की गई। ये कहा गया कि ये चाइना का प्रोपोगंडा फैला रहे थे, यहाँ पे यूएपीए लगाए। देखिए चाइना का प्रोपोगंडा न्यूज एजेंसी, न्यूज कंपनी, यूट्यूब चैनल्स कैसे फैला सकते हैं, कैसे फैला सकते हैं? 2024 की तैयारी चल रही है, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, बात करेगा, लिखेगा वो जेल में जाएगा, ये शुरुआत है। चाइना से इतनी नफरत है भाई, तो चाइना लड़ाख में घुस गया है, उसको निकाल दो। चाइना अरुणाचल में अपना दावा बोल रहा है, वहाँ आवाज दे दो। चाइना वहाँ बैठकर हमारे देश में मणिपुर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उस बारे में आपको गुस्सा आना चाहिए। क्या आप अभी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? आज ही 7825893602 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। तो लेकिन आपने ये 7-8 हमारे न्यूज एंकर्स है, पत्रकार है, उनके ऊपर चाइना का कनेक्शन जोड़ के रेड कर दिया, अरेस्ट कर दिया कुछ लोगों को। ये आपके मन में पत्रकारों के खिलाफ एक नफरत है, डर है, जो आपके तंबू में नहीं है, जो आपका भजन नहीं करते। कभी उसको आप चाइना के कनेक्शन, कभी पाकिस्तान आईएसआई का कनेक्शन लगाकर आप उनको आप इस तरह से प्रताड़ित करने जा रहे हो। ये जर्नलिज्म आप ख़त्म करना जा रहे हो। जो आपके तोते हैं वो ये सब जर्नलिज्म करेंगे, ये नहीं चलेगा। ज्या पद्धतीने काय न्यूज क्लिक त्या संबंधित 8 किंवा 9 पत्रकारांवरती धाडी घातल्या, सकाळी 6 वाजता उचलून त्यांना दिल्ली पोलीस घेऊन गेले, चीनकडून त्यांना फंडिंग मिळत आहे त्यांच्या कंपन्यांना किंवा त्यांच्या कामासाठी, अशा प्रकारचा आरोप लावण्यात आला, हे हास्यास्पद आहे। या सगळ्या पत्रकारांना मी ओळखतो, गेले अनेक वर्ष त्यांची पत्रकारिता मी पाहतो, अत्यंत बेडरपणे निर्भयपणे सरकारला प्रश्न विचारण्याचं काम ते करतात। सरकारला प्रश्न विचारणं म्हणजे चीनशी संबंध जोडणं हे हास्यास्पद आहे। तुम्हाला चीनविषयी इतकी नफरत असेल की हे लोक चीनचा अजेंडा पुढे चालवत आहेत, तर तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे। लडाखमध्ये चीन किती आतमध्ये घुसलेला आहे, राहुल गांधीने स्पष्ट केलं, पेंगॉन लेकपर्यंत चीन घुसला आहे, चीनने विमानतळं बांधली आहे बॉर्डरवर, चीन आतमध्ये घुसलेला आहे, चीन रस्ते आणि पूल बांधते आतमध्ये येऊन, तुम्हाला त्याच्याविषयी संताप येत नाही? अरुणाचलवर चीनने दावा सांगितलेला आहे, मणिपूरमध्ये चीनचा हस्तक्षेप आहे, मणिपूरमधला हिंसाचार हा चीन प्रायोजित हिंसाचार आहे हे स्पष्ट होत आहे, त्याच्यावर तुम्हाला राग येत नाही? आणि 7-8 पत्रकार जे सरकारला प्रश्न विचारत आहेत, हां त्याच्यावर तुम्ही ते चीनचे हस्तक आहेत असं म्हणून ज्या धाडी घालताय, सकाळी उठून 6 वाजता पोलीस येतात घरात घुसतात आणि त्यांना घेऊन जातात, संपादकांना अटक केलेली आहे न्यूज क्लिकच्या, आणीबाणीमध्ये सुद्धा असं झालं नव्हतं। तुम्ही आणीबाणीचं श्राद्ध घालताना प्रत्येक वर्षी हे नाटक करता, आणीबाणीच्या काळात सुद्धा झालेलं नव्हतं। आज दिल्लीमध्ये आपचे खासदार संजय सिंग ह्यांच्या सुद्धा धाडी पडलेल्या आहेत ईडीच्या, कशा करता काय काय चाललंय या देशामध्ये? आम्ही त्यातून गेलो आहेत, पळून निघालेलो आहोत, होरपळलेलो आहोत, आम्हाला माहिती आहे, पण या देशामध्ये जे तुमच्या विरुद्ध बोलतील, आवाज उठवतील, हां लोकशाहीचा जप करतील, तुम्ही त्यांच्या गळ्याभोवती अशा प्रकारे तपास यंत्रणांचा फास आवळताय, हे काय लोकशाहीचं लक्षण नाही? संजय सिंग के घर पे ईडी की रेड चल रही है, आपने कहा संजय सिंग तो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया, अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं,
छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं, गुजरात में क्यों नहीं होते, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते, और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ घपले हो रही है। संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रहा है सुबह से, मुझे लगता है ये तानाशाही की हद हो गई। सर सर हमने क्या बताया तुमच्या केस मध्ये ते मेरे कोर्टा में फटका लो तो ईडीला कैच पटर सुप्रीम कोर्ट ने देखला था 31 मध्ये ईडीला फटका दे आणि असं म्हटलं की ईडी सुरू कुठे कारवाई करते ज्याच्यावर कारवाई करायची आहे या संदर्भातले जे आरोप आहेत ते आधी स्पष्ट करा आणि त्याच्यानंतर पुरावे असतील तर अटक। ईडी पूर्णपणे राजकीय दबावाखाली सुडबुद्धीनेच कारवाई करते देशभरामध्ये। अभिषेक बॅनर्जी त्यांना किती वर्ष ईडी बोलवत्या चौकशीला आपण पाहते आपल्याला अनेक वर्ष ईडी फक्त अभिषेक बॅनर्जींना बोलवते, आम्हाला बोलवते। कोविड घोटाळ्यातलं आरोपपत्र अत्यंत चुकीचं आणि खोटारडं आहे हे सिद्ध होईल। प्रत्येक ईडीचं आरोपपत्र हे अत्यंत खोटं आहे, हे चुकीचं आहे, राजकीय दबावाखाली आहे। सुप्रीम कोर्टानं वारंवार त्यांना दम भरलेलं, कालही हा आपण जे म्हणताय जो विषय, कालही अटक करताना कोणती कारणं दिली जात नाही। काल अजून एक निर्णय आलेला आहे की जर तुम्ही एखाद्याला अटक करताय, ईडी येऊन अटक करते, तुम्ही त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला रायटिंगमध्ये लिखित कारण दिलं पाहिजे की आम्ही तुम्हाला का अटक करतो आहोत, असं कोणतेही कारण दिलं जात नाही। ईडीचे लोक येतात एखाद्या गुंडासारखे घुसतात, अंडरवर्ल्ड डॉनसारखे येतात आणि अटक करून घेऊन जातात, तुरुंगात टाकतात, खोटं आरोपपत्र टाकतात, फॉल्स चार्जशीट, रॉंग एविडन्स, और चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात महीने जो सरकार के विरोधी है उनको अंदर डाल देते हैं। 2024 में सबका हिसाब हो। सर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ईडी को कि साजिश के तौर पे। देखिए ईडी एक बीजेपी का हथियार बन गया है, ईडी हो सीबीआई हो, ये बीजेपी का हथियार बन गया है और उस हथियार का इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। 2024 का चुनाव ये हथियार का इस्तेमाल करके वो लड़ना चाहते हैं। कल ईडी ने कहा है ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ईडी किस प्रकार से ईडी का मिसयूज हो रहा है राजनीतिक कारणों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक निर्देश दिया है, अगर आप किसी घर जाते हो और अरेस्ट करते हो तो उन्हें कारण बताना चाहिए इन राइटिंग कि आपको हम क्यों अरेस्ट करने जा रहे हो, आपके पास क्या सबूत है। लेकिन ईडी नहीं कर रही है, मैंने कहा ना संजय सिंह के पास भी चली गई है, अभिषेक बैनर्जी को सालों साल से बुला रहे हैं, क्या है इतने साल से बुला रहे और हमको तो बिना बुलाए अरेस्ट कर लिया, तो आपके सिस्टम क्या है? सर आप डॉन से तुलना की ईडी की, कहा कि इस तरह से आते हैं घर पे। हाँ तो ये जो गुंडागर्दी चल रही है एजेंसी की, जांच एजेंसी की, ये कोई प्रतिष्ठित एजेंसी का लक्षण नहीं है। आपने पूरी जांच आपने खो दी है, 2024 में आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है, 2024 में सबका नोटिंग हुआ है, आपको पता चलेगा 2024 में सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सरकार बदल रही है 2024 में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मला माहित नाही, बघा आरएसएस संघ परिवार कधी कोणाला कोणत्या पदावर बसले सांगता येईल, देशभरामध्ये संघ परिवार आपापली माणसं कशा प्रकारे बसवत आहे, अगदी सर्वोच्च न्यायालयापासून ते पोलीस आणि आर्मीपर्यंत। आर्मीमधले प्रदीप कुरुळकर त्यांना अटक केली आहे एका भयंकर प्रकरणात, ते आरएसएसचेच आहे। सर कल डीसीएम जाके दिल्ली में अमित शाह से मिले, लोग कह रहे हैं कि नांदेड़ जाना चाहिए था, लेकिन नांदेड़ तो जाना चाहिए था, संभाजीनगर में भी जाना चाहिए था, वहां भी 17-18 बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन जाते हैं दिल्ली में, बैठते हैं घर के कमरे में और राजनीतिक बातें करते हैं। महाराष्ट्र में लोग अपने हाल पर छोड़ दिए, मर रहे, ये क्या सरकार है क्या? हाँ
पूरे राज्य को खत्म कर दिया है। अजीत पवार ने देखिए, अजीत पवार महाराष्ट्र के कैबिनेट मीटिंग में अजीत पवार नहीं गए, महाराष्ट्र के अजीत पवार के घर पे अपॉइंटमेंट ले लिया। महाराष्ट्र मधली संपूर्ण व्यवस्था यंत्रणा कोलमडून गेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये मृत्यूचं तांडव सुरू आहे। नांदेड, संभाजीनगर, अनेक जिल्ह्यात, नागपूर, ठिकठिकाणी फक्त मृत्यूचं तांडव सुरू असताना या राज्याचं सरकार, एक मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री, एक डाऊटफुल, बरं का, दोन हाफ, यांना त्याची चिंताच नाही आहे। ते राजकारणामध्ये अडकलेले आहेत, राजकारणात बिझी आहेत। कोणाला पालकमंत्रीपद हवं आहे, कोणाला खातं बदलून हवं आहे, कोणाला आणखीन काय हवं आहे, लोक मरत आहेत। इतकं निर्दय आणि निर्गुण सरकार या राज्याच्या वाट्याला आलेलं आहे। हा अत्यंत घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार, संवेदनशून्य सरकार या राज्यात बसलं। खुली सरकार आहे। मी कुठे, मी कशाला म्हणायला पाहिजे? नांदेडमध्ये जाऊन आक्रोश पहा, संभाजीनगरला जाऊन आक्रोश पहा, नागपूरला जाऊन आक्रोश पहा। सरकार खुनी नाही तर काय, म्हणजे का सत्कार करायचा आहे? चले, अजित पवारांच्या संदर्भात एक प्रश्न होतो। अजित पवार काल देखील कॅबिनेटला नव्हते, त्याच्या आधी अनेक गंभीरच्या दिवसांमध्ये देखील ते गायब होते, आणि आता दिल्लीला जेव्हा सीएम आणि देवेंद्र फडणवीस गेले त्यावेळी देखील अजित पवार आले नाही, आणि त्यांचं कारण सांगितलं की आता जे म्हणजे ते आजारी आहे। महाराष्ट्र बीमारू राज्य बन गया है पॉलिटिकली। बहुत से राज्य में बीमारू राज्य कहा जाता है, क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि गरीब होते हैं, मागास होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिकली बीमारू राज्य बीजेपी ने बना दिया है। यहाँ सभी लोग बीमार हैं, किसी न किसी बीमारी, जो पॉलिटिकल बीमारी होती है, उससे त्रस्त और ग्रस्त है। और एक बहुत ही कामयाब राज्य को जिस तरह से लोगों ने बीमार और गुलाम राज्य बनाया है, ये ठीक नहीं है। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क, आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।